अध्यक्ष आज प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, उनको दिन कितनी प्रभात फेरी और कैवा प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का मनाया जा रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही खुशी का समय है, जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की खुशी में तखत श्री हरिमंदर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से समूह संगतों के सहयोग से आज पहली प्रभात फेरी जो है कि शुरू हुई है। गुरुद्वारा साहब कंगन घाट प्रभात फेरी गई, वहाँ से होकर अभी गुरुद्वारा साहब बाल लीला में संगत आई हुई है। यहाँ संगतों के लिए बाबा जी कश्मीर सिंह धूरी वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी, बाबा गुरविंदर सिंह जी की तरफ से संगतों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया है। तखत श्री प्रबंधक जी कमेटी की तरफ से, संगतों की तरफ से बाबा जी कश्मीर सिंह धूरी जी वाले, इनकी पूरे संप्रदाय का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह गुरुद्वारा साहब राजगीर जो गुरु नानक देव जी महाराज की चरण शुभ प्राप्त स्थान है, 22 तारीख को कल से वहाँ अखंड पाठ की आरंभता होगी, जिसकी संपूर्णता 24 तारीख को सुबह 9:30 बजे होगी। उसके बाद कीर्तन दरबार दोपहर 1 बजे तक सजाया जाएगा। संगतों के राजगीर जाने के लिए और आने के लिए तखत साहब से बसों का प्रबंध किया गया है। संगतों से बेनती है आप उस प्रोग्राम में, समागम में हाजिरी भरें, गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। इसी तरह 26 तारीख को गुरुद्वारा गुरु के बाग से नगर कीर्तन की आरंभता दोपहर को 2:30 बजे होगी, जो शाम को 6 बजे तखत साहब में नगर कीर्तन की संपूर्णता होगी। 27 तारीख को अमृत वेले से ही गुरबानी कीर्तन जो है लगातार शुरू होगा और रात के 1 बजे तक चलेगा और रखे हुए अखंड पाठ की संपूर्णता होगी। उसके बाद में गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म कथा जो 1:20 से 1:40 तक होगी। संगतों से बेनती है आप इस प्रोग्राम में हाजिरी भरें और जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज की आशीषें प्राप्त करें, खुशियां प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। श्री अकाल इंद्रजीत सिंह जनरल सेक्रेटरी तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब। नवंबर को सालाना ही देश विदेश में जहाँ जहाँ गुरु नानक नाम लेवा गुरु की संगत रहती है, बहुत ही चाव प्रेम से मनाती है। तखत श्री पटना साहब विखे भी ये जो प्रोग्राम है जो प्रभात फेरी से प्रारंभ हुआ और विशाल नगर कीर्तन और उसके उपरंत 27 दिसंबर को श्री खंडपाठ, 27 नवंबर को श्री खंडपाठ साहब जी के जो संपूर्ण भोग, उपरंत दीवान सजेंगे और महाराज जी के जो उपदेश व सिख्या है उसको गुरु की संगत में बड़े ही प्रौढ़ता से दृढ़ कराया जाएगा। सभी संगतों को अपील है कि गुरु नानक जी की महान सिख्या को धारण करें, किरत करो, नाम जपो, वण छको, उसको अपने जीवन का आधार बनाएं और भाईचारक सांझ इंसानियत अपने जीवन में लेके आए, ताकि गुरु नानक साहब जी के महान पूर्व की खुशी जो हम ये महान पूर्व मना के प्राप्त कर रहे हैं वह असल जीवन में भी हमारे जीवन में आ सके, यही अपील आप सभी संगतों को है। तखत श्री हरिमंदर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से और समूह स्टाफ की तरफ से समूह देश विदेश में रहती हुई संगत को महाराज जी के महान पूर्व की जो हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाई
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सिंह हजूरी कथावाचक तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब। Thank you.